You can also get connected to us via Anacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app. You just need to go to the Need UG section and you need to click on get subscription after that. जैसे ही आप लोग get subscription पे क्लिक करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I'll recommend you guys कि आप लोग एक साल या दो साल के subscription pack को opt करें, because ये आपको comparatively सस्ता पड़ता है और आप इसे pass on भी कर सकते हैं, right? So अगर आप ये pack लेंगे, तो आपको comparatively बहुत सस्ते पड़ेंगे. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं समझ लीजिए आपने एक महीने का एक पैक लिया विपिन नाम का कोड अप्लाई किया टेन परसेंट आपको डिस्काउंट मिला तो आपको मंथली कॉस्ट पांच हजार चार सौ रुपए देनी पड़ेगी लेकिन वहीं पर अगर आप दो साल का एक पैक लेते हैं आपने सेम कोड विपिन अप्लाई किया आपको सेम डिस्काउंट मिला तो आपको सिर्फ थर्टीन हंड्रेड रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे यानी आपके मंथली कॉस्ट पांच गुना तक कम हो जाएगी इसके साथ आपको एडिशनल गिफ्ट भी मिल जाते हैं अगर आप विपिन कोड का यूज करते हैं एक या दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अपना स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज देते हैं जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा तो आपको मेरा एक साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा आपको मेरे सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जो कि हैंड रिटन और टाइप्ड फॉर्मेट में होंगे आपको मेरी सारी एसेंशियल पीपीटीज मिल जाएंगी जो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं आपको काफी सारी डीपीपी शीट्स और क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे विच आर रियली बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपेरेशन तो आप वेपन कोड को यूज करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताइए चलिए आगे बढ़ते हैं तो बुक में क्या लिखा है ये देख लेते हैं

स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लाइसिन एलनिन वेलाइन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन सिस्टीन मिथाइनिन एस्पाटिक एसिड ग्लूटामिक एसिड लाइसिन आर्जिन ओके देर आर अलॉट ऑफ अमिनो एसिड तो इनमें से ट्वेंटी जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट आर ग्रुप राइट सो प्रोटीन जो बनेगा वो क्योंकि डिफरेंट अमीनो एसिड की कॉम्पोजिशन से मिलकर बना है तो ये हाइड्रोपोलीमर है ना कि एक होमोपोलीमर होमोपोलीमर क्या होता है होमोपोलीमर वो होता है जिसमें एक सिंगल मोनोमैरिक यूनिट अपने आप को रिपीट करते हुए चली जाती है समझ लो स्टार्च है तो स्टार्च के अंदर ग्लूकोज ही खुद को रिपीट करता रहता है तो उसको अगर आप पॉलीमर की फॉर्म में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा ग्लूकोज 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 लेकिन इफ यू विल टॉक अबाउट प्रोटीन आपको अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड मिलेंगे तो ये आपका हेट्रोपॉलीमर है ना कि आपका होमोपॉलीमर दिस इज द फर्स्ट थिंग ओके सो अमीनो एसिड का कंटेंट क्या है एक पर्टिकुलर प्रोटीन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज अमीनो एसिड को आप लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो पहला आपके एसेंशियल प्रोटीन्स और दूसरे जो होते हैं वो आपके होते हैं नॉन एसेंशियल प्रोटीन सो इनका मतलब क्या है इनका मतलब इनके नाम से ही जाहिर है मेरे दोस्त असेंशियल प्रोटीन मतलब जिनकी आपकी बॉडी को जरूरत है यानी आपकी बॉडी इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकती ये आपको बाहर से लेने पड़ेंगे या आपको खाने पड़ेंगे सो so ये जो है आपके डाइट के थ्रू सप्लाई किए जाते हैं आपकी बॉडी में और जो नॉन असेंशियल है कहने का मतलब है इनकी आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी बॉडी ये अमीनो एसिड्स बना लेती है राइट सो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो आपकी बॉडी बना सकती है सिंथेसाइज कर सकती है जबकि आपके असेंशियल अमीनो एसिड आपकी बॉडी नहीं बना सकती सो so ये आपको डाइट के थ्रू लेनी पड़ती है प्रोटीन के और भी कई सारे फंक्शन होते हैं आपकी बॉडी में फंक्शनिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच ट्रांसपोर्ट ऑफ अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अगर ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये अगर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके बीच में आपका कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होता है यू नो दैट वेरी वेल विच इज कॉल्ड एज परमीज ये जो कैरियर प्रोटीन होता है ये चीजों को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द अदर साइड सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है प्रोटीन का सम फाइट इन्फेक्शन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म यानी इनफेक्शस ऑर्गेनिज्म को फाइट करने के लिए आपकी बॉडी में क्या होता है एंटीबॉडीज होती हैं आपके ब्लड के अंदर ये आपके वेपन्स हैं जो कि आपकी बॉडी में आने वाले पैथोजन को किल कर देते हैं सम आर हॉर्मोन्स फॉर एग्जाम्पल आपका इंसुलिन ग्लुकागोन दीज आर योर प्रोटीनेशियस हार्मोन वो हॉर्मोन भी डायरेक्टली प्रोटीन के ही बनते हैं सम आर एंजाइम लगभग आपके 99.99 नाइन .99 पॉइंट जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन होते हैं सिर्फ आपके बचे हुए जो पॉइंट जीरो वन परसेंट है वो आपके आरएनए होते हैं आर एन ए जब आपका एंजाइम की तरह एक्ट करे तो उसे राइबोजाइम बोलते हैं विच आर वेरी फ्यू इन नंबर लेकिन बचे हुए जो रहते हैं इनको आप लोग क्या बोलते हैं बचे हुए जो रहते हैं ये आपके प्रोटीनेशर्स होते हैं नेचर में सो so, कोलेजन आपका मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल्स के अंदर जबकि आपका रुबिस्को जो है वो आपका मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन या मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है पूरे के पूरे बायोसफेर या पूरी दुनिया के अंदर सो so, रुबिस्को आपका सबसे ज्यादा अबंडेंट है अगर सिर्फ प्लांट में पूछ लिया जाए या फिर पूछ लिया जाए पूरी दुनिया में तो रुबिस्को इस आंसर अगर एनिमल के लिए स्पेसिफिकली पूछा गया है तो कलेजन आपका आंसर हो जाएगा ये पास्ट और क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट राइट तो so, ये आपकी कुछ बेसिक बातें थी प्रोटीन के बारे में अब हम प्रोटीन की बॉन्डिंग को समझने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो सो प्लीज मेक श्योर आप हर वीडियो को जरूर देखें सो so, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यू जी इन टेन आप अगर अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप विपिन नाम का कोड यूज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज दीजिए सो दैट मैं आपको अपने मेन्टोरशिप बैच में एनरोल कर पाऊँ और उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग जाकर कॉन्टैक्ट कर लीजिए थैंक यू सो मच गाइज लॉर्ड्स ऑफ लव एंड एल कैच इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू